हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था डीएनए और 3 जून को डीएनए का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। टेस्ट जरूर दीजिएगा। और एक बात कि जितना हम बताते जा रहे हैं ना बीसीसी प्लस नीट एग्जाम 2021 के लिए, एक एक वीडियो अच्छे से देखना, एक एक वीडियो से क्वेश्चन रहेगा, एक भी ऐसा वीडियो नहीं रहेगा जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे वीडियो से क्वेश्चन आने वाला है, समझ रहे ना बात। वीडियो पूरा देखिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जितना हम बताते जाते कॉपी पर लिखते जाइए। लिखता उखता है तो नहीं, पढ़ता है? एक को लेकिन है कि जो पढ़ता है दिल से, नहीं पढ़ता है, खाली इतने सोचता है ना कि हमारा बीसीसी निकल गया, नीट निकल गया। अरे भाई, कहने से नहीं निकलता है, करने से निकलता है। हम कह दिए कि चलो हम अंबानी हो गए तो कहने से होगा, उसके प्रति मेहनत करना पड़ेगा वैसा, इसलिए बोलते हैं अरे हमारा हो गया है मेडिकल, अब आप कर लो। समझ में आ रही बात? आप कर लो, मेहनत करो। नीट के थ्रू बीसीसी हो रहा है, बीसीसी के थ्रू नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग हो रहा है, और बीसीसी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग हो रहा है, दोनों माध्यम है। और नीट के थ्रू ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन होगा, बीसीसी के थ्रू खाली बिहार में एडमिशन होगा। लो, दो दो ऑफर है, अरे इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा, लेकिन पढ़ेगा तब तो होगा। ये खाली टुकुर टुकुर ताके से होगा, बताओ? याद करना है, पढ़ना है। यही ना कि बता बोल रहे हैं तो टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि सारे वीडियो बना के दे दिए, आप बाबू वीडियो दे दिया, वीडियो आ गया, लो पकड़ो। ऐसे नहीं करना है। ये नाना पटेकर वाला वीडियो मत अपनाना है, समझे ना। नाटक नाना पटेकर नहीं चल रहा है, नीट और बीसीसी का वीडियो चल रहा है कि आओ भाई आओ, वीडियो आ गया, टाइम से नेट ऑन करो, वीडियो आ गया और देख लो, दो मिनट देखने से कुछ मजा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा देखिए, एक एक बात समझिए, समझ रहे हैं ना बात। हाँ, तो देखिए डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पूर्ण रूप से निर्माण कैसे होता है, डीएनए का पुनरावृत्ति कि पूर्ण रूप से फिर एक बार बनने के बाद डीएनए फिर टूट करके नया डीएनए का कैसे निर्माण होता है, समझिएगा बढ़िया से कि एक डीएनए एक धागा से दूसरे के धागा का कैसे निर्माण होता है, पूरा बताने वाले हैं। तो देखिए, डीएनए जो होता है, आपको पता है कि डीएनए दो धागा नुमा होता है, क्या होता है, द्वि कुंडलित होता है। ये आपका डीएनए क्या है, दो धागा है, एक धागा 3x सूचित करते हैं तो दूसरा का धागा को किससे, 5x सूचित करते हैं ना, बताए थे कि एक धागा को 3x सूचित करते हैं, दूसरा को 5x करते हैं ना सूचित। तो पहला धागा को किससे, 3x सूचित, दूसरा को 5x सूचित करते हैं। 3x को N14 बोला जाता है, नाइट्रोजन के आइसोटॉप 14 होता है, और N5 जो होता है ये नाइट्रोजन को आप आइसोटॉप 15 होता है, समझिएगा। तो देखिए, डीएनए के रिप्लिकेशन पुनरावृत्ति सर्वप्रथम, पुनरावृत्ति सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक, पता है ना वाटसन एंड क्रिक के बारे में, हम बता चुके हैं पिछले क्लास के वीडियो। और जो नहीं देखा है ना, जाकर के ऊपर कोनो वाले देखिए, कोनो में वीडियो जाके क्लिक करके देखिए, कोनो पर, समझे ना। इन नौटंगी नहीं कीजिए, अब समय कम है, अब समय कम रह गया है, अब बहुत ज्यादा आपका कोर्स आगे निकल गया है बायोलॉजी का, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा पीछे रहा है, समझे ना, लेकिन बायोलॉजी कंप्लीट होना चाहिए। अरे नीट में तो टोटल 90 होता है, 90-90 बना के आएगा, बायोलॉजी तो 360 या एमबीबीएस के सीट पक्का। काहे नहीं बात समझता है, बार बार बोलते समझा करो बात, समझा। ये भगवान की आरती नहीं दिखा रहे हैं, शंकर भगवान आइए बैठिए, ए यार दिन रात नारियल फोड़ेंगे, ऐसा बोलता है कि भगवान निकल जाए नारियल फोड़ेंगे। अरे नारी नारियल फोड़ने का ओकरा में एग्जाम का लिखा छप जाएगा, प्रिंटर मशीन है नारियल, वाह पढ़ेगा ता निकलेगा, माथा एकदम गर्म कर दिया। देखे नहीं टेस्ट में बच्चा का 10 नंबर आता है, 15 नंबर आता है, अरे बौड़ा है, जब 10 नंबर 15 नंबर ना आता है, सपना देखता है नीट के, जब यही चीज पढ़ाते हैं। डीएनए पूरा पढ़ा दिए, अब डीएनए रिप्लिकेशन अब ट्रांसलेशन भी पढ़ाएंगे, एक बार डीएनए का 3 जून के टेस्ट लेंगे, और नंबर लगेगा 90 नंबर क्वेश्चन देंगे। अगर मान लो 50 क्वेश्चन दिए, 50 क्वेश्चन दे देता है, फिर भी आप लोग 50 क्वेश्चन कितना, 200 नंबर का एग्जाम होता है, लाता है 10 नंबर, 20 नंबर लाएगा, 10 नंबर, अरे बाबू 10 नंबर, और लिखेगा नंबर नाम में कुछ ही, नाम लिखता है कैसे, नंबर दे देता है नाम के जगह। अरे बहु रहा तो नंबर वास्ते देगा, तो अभी कोई लड़की फोन करने वाला है, मारेंगे एक झापड़ ना, पढ़ता उठता है नहीं, का नंबर नाम के जगह नंबर लिखेगा। जब बेइज्जती इतना महसूस होता था, पढ़ो ना, क्या करना, नीट ने करना जी तुमको, जब हम दावा किया कि नीट आपको निकलवा देंगे तो काहे नहीं समझते बात, क्या होता है 2020 में क्या करवाए, हूबहू क्वेश्चन लड़ा ना जी, हूबहू लड़ा कि नहीं लड़ा, हूबहू क्वेश्चन लड़ा है, अब फिर भी 2021 में नहीं लड़ेगा, पढ़ता है पढ़ेगा तो नहीं लड़ेगा। अब डीएनए पूछेगा तो डीएनए कहां जाएगा, अरे डीएनए बनता है कहीं कि बना दिखे बाबू, वो मास्टर बने के डीएनए तो अलग से पूछता है, अरे डीएनए यही एनसीईआरटी रहेगा ना, कि हम बना दिए कि हमारा अलग से और क्वेश्चन आएगा डीएनए के,
कि वहां पे प्रोफेसर जो लिखता है एनसीईआरटी से वो अलग से लिखता है कि डीएनए वो अपना मशीन लिखता है कि हमारा में डीएनए ऐसा ना था, लो तुमको ईडीएनए बनाना है कैसे बनेगा, ऐसा होता है। तब देखिए डीएनए रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन मतलब पुनरावृत्ति डीएनए का, यानी पुराने डीएनए के धागा से नए डीएनए का धागा का निर्माण करना। तो बार्सेन और क्रिक ने क्या कहे थे कि डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए सर्वप्रथम एक विधि अपनाए। कौन सा विधि अपनाए? सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड। कौन सा विधि? सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड। समझे, याद रखना है कि बार्सेन और क्रिक कौन सा विधि अपनाए थे? सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड अपनाए थे। अगर हम ये अध्ययन किए, का अध्ययन किए, देखो बढ़िया समझना, समझेगा यानी खाली नौटंकी करेगा। सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड याद रखिएगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, डीएनए की पुनरावृत्ति में बार्सेन और क्रिक ने सर्वप्रथम एक विधि अपनाया और उस विधि के माध्यम से अध्ययन किया। उस विधि का नाम था सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड। फिर से अभी सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड क्या होता है बढ़िया से समझ लेना, बस दो शब्द है। ये क्या किए कि 3-5-3-5-, आपको पता है ना कि इसमें डीएनए की पूरी लंबाई के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार ए कौन कौन होता है? AGCT होता है नाइट्रोजनी क्षार। आइए किसके साथ जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, होता ना जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो क्या बताते हैं, डीएनए के बीच में पूरी लंबाई जो है एक में जितना नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजन बेस है, वो क्या किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जब जुड़ा होता है तो क्या करता है कि बार्सेन क्रिक ने क्या कि सेमी कंसर्वेटिव मेथड में क्या किया कि नाइट्रोजन के आइसोटॉप एन 14, देखिए समझिएगा, पहला जो पुराना धागा है क्या है? पुराना धागा ही आइसोटॉप एन नाइट्रोजन 14, क्या है? नाइट्रोजन 14, यानी 3-5-3-N नाइट्रोजन आइसोटॉप 14 है। बीच में नाइट्रोजन जीनस बेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, होता है कि नहीं होता है? इतना बताया कि एक नाइट्रोजन क्षार से लेके दूसरे की नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी होती कितना? 3.4 एंगस्ट्रोम। पढ़ता है नहीं, खाली नोटिंग करता है सब। इतना देखे या देखो टेस्ट में ना, मतलब इतना खराब लग रहा है बाबू, तो नहीं तो लग रहा है ना कि हमारे कोचिंग में शामिल रहता ना तो हो सकता है झापड़ से मार मार के नंबर बनाते। कैसे नंबर आता है देखो, बार हम वीडियो बनाए खाली पढ़ेगा है नहीं। इतना आसान से समझा के पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं कि बाबू पढ़ ले, बीच में भी जयराम हु आपका नंबर देंगे, नंबर आने वाला है, खाली एनसीईआरटी पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो ना बढ़िया से। देखिए एन 14 के स्थान पर क्या किए, एन 15 का उपयोग किए। देखो सुनो, सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड में क्या किए बार्सेन एंड क्रिक ने कि 3-5-3-5-, दो धागा था यानी एन आइसोटॉप्स नाइट्रोजन के 14 और आइसोटॉप्स नाइट्रोजन के 15, ये दो था। ओकरा क्या किए बार्सेन एंड क्रिक ने, उलट दिए, यानी एन 14 जहां पे है वहां पे एन 15 कर दीजिए और जहां पे एन 15 वहां पे क्या कर दिए, एन 14 कर दिए। जब एन 14 के स्थान पर एन 15 के स्थान पर एन 14, ध्यान समझना है। बार्सेन एंड क्या किए सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड में कि नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स एन 14 के स्थान पर क्या सा प्रयोग किए, एन 15 प्रयोग किए और एन 15 के स्थान पर एन 14 का प्रयोग, उलट दिए हम। अभी उलट दिए तो क्या हुआ कि डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था? ये डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड एक एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर दिया कि डीएनए के पूरी लंबाई में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ओकरा बीचे से तोड़ दिया, लो टूट गया। अरे टूट गया तो एक धागा एनए हो गया, एक धागा एनए हो गया, बन गया ना एक धागा ही बन गया, दो धागा बन, समझिए। क्या किया कि डीएनए के सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड में नाइट्रोजन आइसोटॉप्स एन 14 के स्थान पर एन 15 का प्रयोग किए। अब एन 15 का प्रयोग किए, इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो हाइड्रोजन बॉन्ड को पॉलीमर एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया गया। अभी पॉलीमर एंजाइम के द्वारा जब तोड़ दिया गया तो ये आपका एक धागा तो ई बचा, आज दूसरा का धागा ई बचा, तो दोनों धागा अलग अलग हो गया। अरे हुआ ना, दोनों धागा अलग अलग हो गया। अब ये दोनों धागा जब अलग हुआ तोड़ने के बाद, ये अलग हुआ तो एक जो सेपरेट धागा बच गया, इस सेपरेट धागा जो बना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या करता है कि जो धागा बचा इस धागा को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ा जाता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम बताए थे कि जिसमें दो या दो से क्या, दो या
दो से, समझिएगा, दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ता है, वो क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बताए थे, देखो बताए थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ, ऐसा का फिगर वाला वीडियो नहीं बताए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होता है, एक या एक से न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है, जिसमें साथ में क्या है, फास्फेट लगा है। तो क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बताया कि दो या दो से एक, ये आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड, एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो क्या दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड एक साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ओकरा बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या करता है कि जो धागा जो बना सेपरेट अलग अलग, इस धागा के साथ जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या करता है, जुड़ता है, और जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण करता है, एक पूरक डीएनए का निर्माण करता है, एक न्यू डीएनए का निर्माण करता है। कोई बढ़िया हट, बहुत इतना हट था कि तुम दिमाग लगाना है, अरे पढ़ लेगा बाबू एकदम आसान है, ना पढ़ेगा तो लगेगा एक ही लनिया की बहुत हार्ड है। सुनो, बार्सन है क्रिक ने सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड द्वारा एक विधि बनाया, सेमी कॉन्सर्वेटिव मेथड एक विधि बनाया सेमी कॉन्सर्वेटिव, और इस विधि में एक अध्ययन किए डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए कि नाइट्रोजन के जो आइसोटॉप्स है 3' है, N14 के स्थान पर क्या किए, N15 का प्रयोग कर दिया, और जब N15 का प्रयोग कर दिया तो बीच में नाइट्रोजिनस बेस है, और नाइट्रोजिनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है कि पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा तोड़ दिया जाता है, जब पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है तो दोनों धागा अलग अलग हो जाता है। अब सेपरेटेड धारा दोनों अलग जो है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पूरक डीएनए का निर्माण करता है। समझ में आई बात, कोई बड़ी हार्ड था बड़ी हार्ड है, देख रहा, ऑब्जेक्टिव खाली यहां पूछे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड और सेपरेटेड थायराइड से जोड़ करके होता है। हो गया 4 नंबर कंप्लीट है, बड़ी हार्ड, एक प्राण जा रहा है। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 जून को टेस्ट होने वाला पूरा डीएनए से, नंबर आना चाहिए बढ़िया, 50 क्वेश्चन प्लस रहेगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।